हेलो एवरीवन, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि सर टर्म वन का जो एग्जाम का डेट शीट है वो कब आने वाला है और एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो नवंबर से दिसंबर में होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को एग्जाम जो है नवंबर का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में स्टार्ट होने का चांसेस है। अब यहाँ पे बात आता है कि एग्जाम डेट शीट आपका कब आना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आपका एग्जाम होता है उससे 3 से 4 वीक पहले आप लोगों का एग्जाम डेट शीट आ जाता है, मीन सीबीएसई रिलीज कर देता है। अगर आप लोगों का एग्जाम नवंबर का सेकेंड वीक से स्टार्ट होता है तो आप लोगों को जो डेट शीट है वो अक्टूबर का सेकेंड वीक तक आ जाएगा। तो अभी आपका प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है, सेप्टेम्बर 20 अप्रोक्स है, मीन्स ये थर्ड वीक चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली आज से 25 डेज के बाद अप्रोक्स आप लोगों का डेट शीट आ जाएगा, मीन्स अक्टूबर के सेकेंड वीक में आप लोगों का डेट शीट आने का चांसेस है दोनों 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए। तो अब आप लोगों के पास केवल 25 डेज का टाइम बचा हुआ है, अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अब आप लोग अपने रेस में लग जाओ, बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशंस को करो, देखो कहाँ पे कुछ चीज़ें छूटा हुआ है उसको फिनिश करो और अब एग्जाम के मोड में आ जाओ, मीन्स प्रिपरेशंस के एक्टिव मोड में आ जाओ अगर अभी तक नहीं आए हैं तो, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का अक्टूबर सेकेंड वीक में डेट शीट आ जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा, बट अभी भी अगर आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा एक लाइक करना और चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।